हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलामत बागी, सबल खैर एंड वेलकम बैक हियर अगेन। तो बुखार तो ठीक हो गया है, बट पिंपल भी अभी ठीक हो रहा है आस्ता आस्ता। दाढ़ी मैंने बड़ी रखी है ताकि ये नाक मेरा जो है ना, वो कौन सा है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, असफंद यार वाली, इस तरह का कुछ नाम है। आजकल मेरा नाक उसकी तरह नजर आ रहा है, तो दाढ़ी बड़ी रखी है, इतना बड़ा ना नजर आए। तो 12 बज रहे हैं और जो कि बता रहा हूँ 3-4 दिन हो गए हैं रूम से बाहर भी नहीं निकला मैं, और काम काफ़ी पड़े हैं। तो आप लोगों को लगता होगा बेला इसलिए इसको कोई काम नहीं, भाईजान बहुत काम होते हैं। तो सबसे पहले जा रहा हूँ अभी तो लॉन्ड्री, पहले लॉन्ड्री जा रहा हूँ, फिर भूख लगी है, फिर देखता हूँ। अच्छा, इन मशीन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये मशीनें सिर्फ कोइन एक्सेप्ट करती हैं, नोट्स नहीं। और मेरे पास कोइन रूम में बड़े बड़े हैं, क्योंकि जब भी कुछ भी ख़रीदने जाता हूँ तो मिलते ही कोइन हैं वापसी में। और सबसे बुरी बात यह है कि ये मशीनें सिर्फ 50 सेंट का कोइन जो है ना एक्सेप्ट करती हैं, 5, 10, 20 कोई नहीं, सिर्फ 50। अच्छा, तो मेरे पास 23 मिनट हैं, 23 मिनट में मुझे जाना है हिपो परेड में, मनी एक्सचेंज में, और मेरे ख्याल में टाइम कम है और ये रिस्क होगा क्योंकि यहाँ चोरी भी कर लेते हैं, यहाँ नहीं छोड़ते, उठा के ले जाते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में भूख भी लगी है, खाना खा लेते हैं। ये साथ ही पीछे एक इंडिया होटल है, उधर खा के आते हैं, उतनी देर में मज़ा से बिरयानी ढूंढेंगे अगर मिली तो। मैंने क्या कभी आपको ये बात बताई है कि मलेशिया के अंदर जिस एरिया में अभी मैं रह रहा हूँ डेली बारिश होती है, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, डेली बारिश होती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह पर आप खड़े हों उससे 10-15 मिनट के फासले पर जो जगह है उधर धूप हो, उधर बारिश नहीं हो, बादल छाए हों, ये मलेशिया, इधर कुछ भी हो जाता है। तो मैं हिपो परेड पहुँच गया हूँ। हिपो परेड एक्चुअली एक मॉल का नाम है जहाँ पर मैं कभी काम किया करता था, पहली बार जहाँ मैं आया था, और थोड़े से पैसे चेंज कराने हैं, ख़त्म हो गए हैं। जी भाईजान, तो अगर आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मेरे बहुत सारे दोस्त इस मॉल के अंदर काम करते हैं, मैंने भी किया था। तो ये एक लड़का है, इधर एक लड़का हुआ करता था, मेरा दोस्त था, और ये बता रहा है कुछ दिन पहले उसने बहुत से पासपोर्ट लिया है और काम कर रहा है अभी केयर में। अच्छा, तो हमारा भी वीज़ा लग जाए तो अल्लाह करे।